भोपाल में आम आदमी पार्टी ने आर्थिक संकट और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाए जाने की मांग की है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है और शिवराज सरकार को इसमें गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कोरोना के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनको अब जीवन यापन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27% हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने में नाकामयाब रही है। कमलनाथ की सरकार में बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया, उन्होंने सिर्फ कोरी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा, जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन्हें लाठियां दी गई, जो कि गलत है। अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं को रोजगार दें, साथ ही जितने असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके जीवन यापन की व्यवस्था करें। पंकज सिंह ने बेरोजगारी से निपटने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने की मांग की है, जिसके तहत हर शहरी को उसके योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके। इसके लिए उन्होंने तुरंत वैकेंसी ओपन करने की मांग की है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रदेश भर से तमाम जगहों से जो खबरें आती हैं, कहीं आत्महत्या हो रही है, कहीं लोग धरने पे बैठे हैं, कहीं कोई साथी किसी लेवल पे जाके अपना प्रदर्शन कर रहा है, बात रख रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और ज़मीन पे चूंकि हमारा ऑक्सीजन जांच अभियान डोर टू डोर चल रहा है, उसके आधार पे जो फीडबैक आए हैं, आम आदमी पार्टी ने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से कि इस तरीके का कानून जो शोध पे आधारित है, पिछले लंबे समय के शोध, शहरी रोजगार गारंटी कानून सरकार बनाए। शहरों में जो लोग रह रहे हैं, मजदूर तबका है, गरीब तबका है, वो अपने बच्चों का पेट पालने में सक्षम नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज सरकार से ये मांग की है कि इस कानून को लागू करिए। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये भी बताया है कि सरकार चाहे तो जो अरबपति लोग हैं उन पे 2% का संपत्ति कर लगाकर देश हित में अपना बजट बढ़ा सकती है और इस तरीके की योजनाएं लागू कर सकती है। साथ ही ये प्लानिंग कमीशन ने भी माना था कि कोई भी व्यक्ति जो गांव से शहरों में आता है, अगर वो शहर में आता है तो उसकी जो उत्पादकता है 9.5% तक बढ़ जाती है, तो लोगों को काम मिलेगा, काम का उचित दाम मिलेगा और काम को पहचान मिलेगी, कानूनी पहचान, तो वो पैसा भी कमाएंगे, जीडीपी भी चलाएंगे, वो प्रदेश की सरकार भी चला सकते हैं। लोगों से ही सरकार है, सत्ता है, शासन है, मुख्यमंत्री है, विधायक है और पूरे सिस्टम चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि शहरी रोजगार गारंटी कानून शिवराज सिंह चौहान जी आप लागू करें तत्काल रूप से, ताकि लोगों को उनके जीवन यापन करने का अवसर मिल सके। और उसमें इस रोजगार गारंटी कानून में मांग की गई है कि मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज दीजिए, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।